हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीके मोटर टेक पे। दोस्तों आज बात करने वाले ये प्रेस्टीज का इंडक्शन स्टोव आया है, इसमें मॉडल है 16.0। इसमें प्रॉब्लम है जो चालू करते हैं तो बर्तन लोड नहीं ले रहा है, तो इसे हम देख लीजिए, ट्राई करके विचार दिखा देते हैं। देख सकते हैं लाइट आ गया है, चला गया। उसके बाद पावर ऑन करते हैं और प्रेशर कुकर या कुछ भी बर्तन खोल कर देख सकते हैं लोड बिल्कुल नहीं ले रहा है। ये देखिए, फिर से स्टार्ट किए इसको, यहाँ पे प्रेशर कुकर कैरी कुछ भी लोड नहीं ले रहा है। ये लोड लेते लेते इसका ऑन हो रहा है, एक ही बिल्कुल ठंडा ठंडा रह गया, इसमें लोड नहीं ले रहा है, देख सकते हैं। तो हम इसे रिपेयर करेंगे, इसमें जो भी त्रुटि रहेगा आपको दिखाकर बदलेंगे भी, और जो इसमें त्रुटि आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसे इंडक्शन स्टोव को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से। नॉर्मली कभी कभार आता है जो इंडक्शन स्टोव के कारण जो उसमें तो डिस्प्ले नहीं आता है लेकिन वर्क करने लगता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले नहीं आएगा, बाकी तो वर्क करना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइए हम इसे चालू करते हैं। हमने इसे किट को पूरी अच्छे तरह से निकाल लिया। इसमें आता है देखिए, इसका जो मेन पावर दोनों सप्लाई है जो एक इससे जाता है, देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर से, और ये आता है एसी को डीसी बदलने के लिए, तो एक जाता है इससे। तो इसमें देख सकते हैं कि जो इसका जो है दोनों का पॉइंट जो इससे मिला हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से आता है। तो आप देख, या तो फट जाता है या तो कुछ प्रॉब्लम आने के कारण ये पावर नहीं दे पाता है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा, देख सकते हो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा, फूल गया। ऐसा अगर बजाज और अदर कंपनी में भी, बजाज प्रेस्टीज पियानो कुछ भी रहे, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर ऐसा दिक्कत आता है कि बर्तन नहीं लोड ले रहा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है कि ये इसके कारण आता है। और इसमें आता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा होता है अदर कंपनी में, वो भी खराब होने के कारण बर्तन लोड नहीं लेता है। तो इसमें तो दिया ही नहीं है कंपनी के द्वारा, इसमें कंपनी के द्वारा नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका सिंबल दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है स्टार्ट से ही, तो कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला, अगर और अदर कंपनी का भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आएगा कि इसको हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसी को हम चेंज करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, हम इसे अभी चेंज करते हैं।
देख सकते हैं यहाँ से हमने इस पार्ट को निकाल दिया, एक गर्म होने के बाद फट गया था, इसी के कारण देख सकते हैं नहीं आ रहा था, बर्तन लोड नहीं ले रहा था इसी के कारण, जो बिल्कुल खत्म हो गया था, फट गया था इसे निकलने, और ये ऊपर से फूला हुआ भी पर देख सकते हैं फूल गया। तो हम इसे चेंज करते हैं, इसका देख सकते हैं पावर, जीरो पॉइंट थ्री थ्री यूएफ है और 1200 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज। तो ये इसी पावर का हम सेम लगाएंगे, 0.33 यूएफ का है और 1200 वोल्ट पर काज करता है, तो हम इसी को लगाते हैं इसके जगह पे। हमें ये चौखुटा का प्रकार का चौखुटा वाला नहीं मिल पाया, तो हम इस दुकान में इस पर इसका भी पावर उतना ही है, सेम टू सेम लगाएं, 0.33 यूएफ और 1200 वोल्ट डीसी, इसमें भी वही है, तो हम इसको लगाते हैं। इसका साइज अलग है और पावर दोनों का एक ही है, 0.33 यूएफ, तो हम इसे लगाते हैं। जब भी आप इसे सोल्ड कीजिए तो बिल्कुल लूज नहीं रखेगा, बिल्कुल रंग अच्छी तरह से भरेगा, क्योंकि यह स्पार्क करेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसमें ये चालू नहीं हो पाएगा और जल भी जल्दी जाएगा इसका पार्ट, तो ऐसा वो कहिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से भर दीजिएगा, रंगा भरते समय ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब इसे सेट करते हैं और जांचते हैं। सभी पार्ट पुर्जों को हमने अच्छी तरह से कस लिया है और इसे वापस सेट करते हैं। चलिए इसे शुरू कर जांच लेते हैं। इसे जांचते हैं, पहले हम लाइन लेकर देखते हैं, देख सकते हैं ये अब पहले से बेहतर काम कर रहा है, इसके हम जांच लेते हैं। हम कम पानी में जांच लेते हैं। चलिए देख सकते हैं बिल्कुल गर्म हो रहा, आप देख लीजिए गर्म हो रहा, अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसका हम टेम्परेचर घटाते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब ये बनकर तैयार हो गया। अब अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें और कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा।
हम उसका सोल्यूशन करने के बाद आपको हम दिखाएंगे। तो इसका हम पढ़ा देते हैं, देख सकते हैं फिर से गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसे हम बंद करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं।